चला गया। तो आजा आजा आजा। ओ नहीं 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 भाई 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 यार, ये इस तरह कैसे मारूं इसको। तो अभी मैंने यहाँ पे बम डाल दिया है, लेकिन इधर पे। ओके, तो ये अंकल जी आप तो फट गए ना। गाइस, जून का महीना है और सबका दिमाग इस टाइम पे फुल गर्म हो रखा है। इसलिए गाइस, कैपिलेरियंस हॉरर गेम ने एक नया गेम निकाला है जो सबका दिमाग और ज़्यादा गर्म करने वाला है। बट गेम का नाम बहुत ठंडा है, आइस स्क्रीम 4 फाइनली आ चुका है। गाइस, आइस स्क्रीम 4 खेलने वाले हैं आज हम। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज हम खेलने वाले हैं आइस स्क्रीम 4। स्टार्टिंग भी बड़ी खतरनाक है। सो गाइस, अपना गेम स्टार्ट हो चुका है फाइनली, और हम देखते हैं क्या सीन है। ओके, तो भाई इस रोड के डमी के अंदर मतलब पूरा गैराज टाइप है। ये लिफ्ट से कोई आ रहा है। ओके, तो गाइस ये रोड है। अबे ये तो जे है। गाइस जहां तक मेरे याद है, आइसक्रीम 3 में हम तो यार वैन से जंप कर गए थे, फिर हम कैसे पकड़े गए यार। अबे ये कहाँ चाबी है वे। ये पगलेट है भाई। तो ये रही भाई फुल गैंग इनकी, आइसक्रीम नेबर्स की। सो ओके गाइस, अभी हमें क्या करना है। सबसे पहले भाई इस बेंच को घिसकाना है, और ये रेंच लेना है, और ये लॉक तोड़ देना है। अब गाइस यहाँ पे ना काफ़ी सारे मिनी रोड भी हैं इस गेम में, तो गाइस हमें इससे बचते हुए यहाँ से फटाफट से निकल लेना है। और जल्दी से हटो यहाँ से, और इससे अबे ओपन हो जा। सो यहाँ पे सीन है, कट सीन है। कंट्रोल रूम, हमें ये इसी रूम में जाना है, बट ये मोटे हमें जाने नहीं देगा। इस मोटे को छेड़ना तो बेकार है। जल्दी से यहाँ पे से इनके बगल से हम निकल सकते हैं। नॉर्मल मोड में ये इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमें कहाँ पे, अबे भाई 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 ये चुन्नू इसके बस की नहीं है भाई मेरे को पकड़ना। ओ रोड, ओ भैंस की टांग इसकी भाई साहब, रोड था भाई। हेलो रोड। आइसक्रीम 3 में हमारी मुलाकात हुई थी, आइसक्रीम 4 में भी हो रही है। बट ये यार घटिया गेम है। भी जल्दी से ट्रॉफी लो और चलो वहाँ पे, जल्दी से जहाँ से आए थे वहीं पे। सो गाइज, अभी हमें यहीं से जाना है। तो यहाँ पे हमें अभी रोड मिला था जहाँ पे, वहीं पे हम आए हैं। अब जल्दी से यहाँ पे स्लेडर ये जो भी है, वे चढ़ जाए यार, मैं चढ़ जा कर दइए। तो जल्दी से यहाँ से स्क्रू निकालो, यहाँ से स्क्रू निकालो, और जल्दी से पहुँच लो पहुँच लो पहुँच लो। ओके, तो गाइस अभी रोड ये कह रहा है कि जो कुछ भी होगा मिनी रोड संभाल लेंगे, और ये अपनी गाड़ी ठीक करने में लगा हुआ है अब।
ये सही है यार। पर मैंने यार वहां से कुछ लाना भूल गया, तो जल्दी से चलते हैं वापस उसी जगह पे। सो गाइस अभी मैंने यहाँ से क्रोबार ले लिया है, और गाइस मैं यहाँ पे अंदर आया और रोड मुझे ढूंढने के लिए वहां पे चला गया। अभी मैं सोच रहा हूँ यार जल्दी से ये रोड का बच्चा ना बाहर निकले, बट उसका वेट करते हैं, फाइनली कब आएगा वो देखते हैं। सो गाइस फाइनली रोड आ चुका है यहाँ पे, और अभी मैंने यहाँ पे ना बम गिरा दिया है, लेकिन गाइस ये फिर उससे बच गया यार। वो बम जो है ना बहुत ज्यादा कोने में चला गया है। तो आजा आजा आजा, ओ नहीं 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 भाई 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 यार ये इस तरह कैसे मारूं इसको। तो अभी मैंने यहाँ पे बम डाल दिया है, लेकिन इधर पे ओके। तो ये अंकल जी आप तो फट गए ना, तो भाई ये तो गया। तो अभी जल्दी से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे को जाना है दूसरी तरफ में, जो कि है इधर पे। तो मेरे को जाना है यहाँ पे, एक आइसक्रीम पड़ी हुई है तो ये बाद में हमारे काम आएगी। तो अभी ये नेल्स उखाड़ने का है हमको, जितने भी है भाई सब अलग कर देते हैं। तो ये गया, और फाइनली तू भी चल। अभी यहाँ से हमें ये मिलेगा, इसको लेके चलते हैं। सो गाइज अभी मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, लेकिन गाइज यहाँ पे भाई मेरे को ये मिनी रोड फंस गया। तो अभी जल्दी से मैं उस टनल से होता हुआ वापस आ चुका हूँ, और यहाँ से हम ये वाला गेट खोलते हैं सबसे पहले तो। और यहाँ पे हमें ये सैडल टाइप जो है ये इसको लगा देनी है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कोड है ओके, ये कोड भी हमारे काम आएगा। बट अभी हमें जाना है इधर पे एक, तो ये जो है ना इसका जो है स्क्रू ढीला है, तो ये मतलब थोड़ी देर चलता है और फिर मतलब ऐसे ही थक जाता है। तो ऐसे ही होने चाहिए भाई सभी मॉन्स्टर्स एलियंस। तो अभी जैसे ही इसका स्क्रू ठीक होगा ना, ये अपने आप हमारा पीछा करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्क्रू कैसे ढीला होता है। तो हेलो ओके, आजा आजा भाई 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 भाई, भाई। इसकी मैं रेल बना दूंगा 2 मिनट में। आजा इधर आ, आजा आजा, बक 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 बक। ओ इसका चलने का तरीका देखो भाई, इधर 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 इधर। ओके इसका स्क्रू फिर ढीला हो गया, कोई बात नहीं। सो अभी हमें ये कार्ड लेके कहाँ पे जाना था, तो वो लॉकर का एरिया किधर है मैं भूल गया यार, कहाँ पे है वो जगह। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फाइनली, बट अभी तक भी यार किसी भी लॉकर में से ये को कार्ड नहीं लगा है। तो ये लॉकर तो बेकार है भाई, तो अभी दूसरी जगह ढूंढते हैं कहीं पे जहाँ पे और लॉकर्स हों। कहाँ पे है और जगह, तो ओके तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये कार्ड भी नहीं है, और फायर एक्सटिंग्विशर वाओ यहीं पे मिल गया हमें। पर मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ, आई थिंक वहाँ पे पीछे भी एक लॉकर था ना, एक मिनट उसको मैंने चेक नहीं किया। तो ये तो नहीं है, ये है। तो यहाँ पे से कारपेट उठा लेते हैं, अब ये कारपेट का है ना ट्रैप का काम करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है वापस किधर थी वो जगह। सो गाइस अभी मैं इन लेटर्स पे चढ़ चुका हूँ यहाँ से, और अभी ये प्लैंक जो है इसको गिरा देते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। अभी जल्दी से चलते हैं वापस। सो अभी मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेकर गाइस वापस आ चुका हूँ, और हमें 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 क्या करना है कि ये जो है रूफ इसकी छत तोड़ देनी है। ये तो गया, फायर एक्सटिंग्विशर का बस इतना ही काम था यहाँ से। लेकिन हमको यहाँ पे अभी ना आइसक्रीम इकट्ठी करनी है 3। तो फर्स्ट आइसक्रीम मैंने यहीं पे देखी थी शायद से, तो एक ये रही। अभी दूसरी 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 आइसक्रीम ओके। तो हमने अभी एक आइसक्रीम भाई यहाँ पे लगा दी है, लेकिन हमें ऐसी 2 और चाहिए, और एक हमें यहीं पे भी मिलती है बट उसको बाद में देखेंगे। पहले हमने ऊपर वाले फ्लोर पे भी देखी थी, तो उसको पहले लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई ये दूसरा घोंचू बैठा हुआ है भाई, तो यार अभी यहाँ से इससे कैसे बचें यार, ये दिमाग खाएगा। सो गाइस अभी वो टिंगनू जा चुका है, और अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर पे चलता हूँ यहाँ से, और इससे पहले ये पकड़ ले, इसके बगल में से निकल जाओ ओके। तो इसके बस की नहीं है मेरे को पकड़नी वैसे। ओके गाइस तो अभी मैं ऊपर वाले फ्लोर से भी आइसक्रीम उठा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बारी चेक कर लेते हैं कहीं और पे तो नहीं रखी आइसक्रीम कोई थर्ड वाली। तो यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं है यार, इधर पे तो इधर किसी भी जगह पे आइसक्रीम नहीं है।
और किसी जगह पे हो तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो वापस चलते हैं, यहीं से कूद जाता हूँ ना। ओके, तो ये बढ़िया है। सो गाइस, अभी मैंने दूसरे आइसक्रीम भी लगा दिए, लेकिन ये चिंगू पिंगू निंगू सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और भाई ये पकड़ लेता अभी, भाई साहब इसका स्क्रू तो ढीला हो गया। और सामने मुझे आइसक्रीम भी मिल गई थर्ड वाली, तो येलो आइसक्रीम हमें मिल चुकी है। ये कौन सा फ्लेवर डाला हुआ है इसमें पता नहीं, बट हाँ अभी हमारे जो है ना जो ये है, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अभी फाइनली हमारी जो भाई ये है गम हमें मिल चुकी है। और भाई इसका स्क्रू इतनी जल्दी टाइट कैसे हो गया भाई? खैर जो भी हो, वो रास्ता किधर है भाई? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वो रास्ता कहाँ पे है, कहाँ पे है? सो गाइस, अभी मैं फाइनली ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे और यहाँ पे गम लगा दिया है। अभी गाइस नीचे से मैं जाके कारपेट लगा देता हूँ, और हमारा जो ट्रैप है इस मोटे को पकड़ने के लिए वो तैयार हो गया है। लेकिन गाइस अभी ट्रैप ही तैयार हुआ है, अभी उसमें हमें इस मोटे को डालना भी है। तो उसके लिए हमें चाहिए कोड, तो पोस्टर के पीछे है कोड 4, पेंटिंग के पीछे है लेफ्ट में, और यहाँ पे है एक बाइक पर। और तो गाइस देखो, हर कोड को ना हमें टच ज़रूर करना है, वरना भाई वो कोड इनेबल नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना है ना, एक कोड म्यूजियम वाले जगह के पीछे होगा जहाँ पे हम गए थे। तो अभी देखो हमें क्या करना है ना, देखो जो कोड है 4 जो बाइक के पीछे है वो है थर्ड नंबर पे लगेगा। जो जो कोड बाइक के पीछे है वो थर्ड प्लेस पे लगेगा। और जो जो पेंटिंग के पीछे है वो लगेगा सेकंड प्लेस पर, मतलब लेफ्ट तरफ वाली पेंटिंग में है। और ये जो पोस्टर के पीछे है ये लगेगा फोर्थ प्लेस पर। और नहीं, फोर्थ नहीं, ये देखो जो ये है और ये है, मतलब जो ये इसके पीछे है रोड के, ये लगेगा फर्स्ट प्लेस पर। और जो उसके पीछे था ये लगेगा, ओके समझ गया, 4-4 ये कोड है। और गाइस अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे तो गाइस हमें अभी चारों पांचों कोड मिल चुका है। और हमारा कोड है 4-2-4-5। तो गाइस अभी हमारा कोड जो है डन हो चुका है। तो अभी यहाँ पे भाई हमने ये कर लिया है। और यार सही में ये कोड का इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा है। और चिंगनू आ जा, तू आ जा, आ जा, आ जा, तू आ जा, तू सबसे पहले जाएगा बेटा। ये गया, तो ये गया। सो गाइस कोड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अब तुम्हारा भाई तो, बट हाँ इसके कोड को कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर अलग से वीडियो बना देनी चाहिए हमको। तो गाइस बहुत ज़्यादा हार्ड है वो कोड का सिस्टम इसका, खैर देखेंगे उसके बारे में भी कुछ। तो अभी 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 मैं मतलब मैं समझ तो गया कोड क्या है, बट मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अभी हमें यहाँ पे जाना है और बस ये बटन दबाया और गेम क्रॉस। मतलब मैं जानता तो हूँ कि भाई मुझे करना क्या है उस कोड में, लेकिन गाइज मैं जितना अच्छे से खुद समझ पा रहा हूँ उतना अच्छे से आप लोग को गेम के दौरान भाई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो हमें उसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी शायद। तो मोटे पकड़ाना चाहिए कि तो बच गए हम तो यार। लेकिन गाइस हम बच तो जरूर गए, लेकिन जो यहाँ इसकी फैक्ट्री है हम उससे बाहर नहीं निकले, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने इसको मतलब यहीं से बचे हैं भाई, कैद से ही बाहर निकले हैं। जब ही तो इतने दांत दिखा रहा है गंदे से। सो ओके गाइस, आज की इस वाले वीडियो में इतना ही। और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आइसक्रीम 4 आप लोग को कैसा लगा, और भाई मेरा गेम प्ले कैसा लगा। तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी हर एक छोटी बड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।